नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज की एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। आज देश भर में 5 राज्यों में हुए चुनाव में से 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे सामने आए हैं और इन 4 राज्यों में 3 राज्यों में बीजेपी ने अपना दबदबा दिखा दिया है। 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी का परचम लहराया गया है और जानकारी ये भी मिल रही है कि मध्य प्रदेश में जो कड़ा मुकाबला देखा जा रहा था 230 सीटों में से 164 सीटें बीजेपी ने अपनी झोली में डाली है। वहीं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जो कांग्रेस के दावेदार थे उनको हराकर बीजेपी ने अपनी जो सत्ता है वो काबिज की है। ऐसी राजस्थान में भी बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। तो आज जिस तरह से बीजेपी ने 5 राज्यों में हुए चुनाव में से जिन 4 राज्यों के रिजल्ट सामने आए थे उसमें से 3 उसमें जो परचम लहराया है, जनता से जानेंगे और पूछेंगे कि किस तरह से बीजेपी कार्य कर रही है और जो इतनी बड़ी जीत बीजेपी की ओर से रची गई है उस पर उनका क्या ओपिनियन है और किस तरह से जो कांग्रेस है वो क्यों देश भर में पिछड़ती जा रही है, जनता जो है वो कांग्रेस पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रही है और क्या आगे आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें क्या नतीजे सामने आएंगे, ये सब आज हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाने वाले हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? रवि महाजन। सर, मैं जैसे देख पा रही हूँ कि चुनाव के नतीजे यहाँ पे टीवी पे चल रहे हैं और बीजेपी ने 3 राज्यों में परचम लहरा दिया है। किस तरह से अभी बीजेपी जो है वो देश में काम कर रही है, क्या लगता है? बीजेपी देश में बढ़िया काम कर रही है। उसने हमारे देश का इंटरनेशनल और सब जगह बड़ा नाम करा है। मोदी के नेतृत्व में बढ़िया काम हो रहा है और थोड़ी महंगाई का इशू है, वो भी अब पार्टी चाहेगी, अगर बीजेपी चाहेगी तो थोड़ा करेगी और हम उम्मीद करते हैं कि वो थोड़ी महंगाई को कंट्रोल करे। सर, जिस तरह से मध्य प्रदेश में सबसे कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा था लेकिन 230 में से 164 सीटें बीजेपी लेकर आई है, कहीं उम्मीद लग रही थी कि इतनी भारी संख्या में दर्ज करेगी जीत बीजेपी? मध्य प्रदेश में तो आनी थी सीट, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बहुत काम किया है महिलाओं के लिए, सड़कों के लिए और जितने भी आपके आउट रिंग रोड की सड़कें हैं उसके लिए, जिससे लोगों को आने जाने में आसानी है और बहुत काम हुआ। इससे पहले मध्य प्रदेश में काम ही काम हुआ। और राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में भी बीजेपी जीती है। राजस्थान में तो जो क्राइम का था और दंगे फसाद थे उसकी वजह से कांग्रेस को जाना पड़ा। हाँ। इसलिए बीजेपी के शासनकाल में क्राइम कंट्रोल में रहता है, इस वजह से बीजेपी को लोग लेके आए होंगे। अच्छा। तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लग रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है क्योंकि मोदी ही नेतृत्व में सबसे सही है और जो है वो नेतृत्व नहीं कर पाएंगे इंडिया का। तो जिस तरह से मोदी जी पर इतना भरोसा जनता जता रही है, कहाँ लग रहा है कि जो राहुल गांधी है वो इसमें पिछड़ रहे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटर तो बीजेपी के कांग्रेस ही माना जाता है। राहुल गांधी में पहली बार स्पीच उनका को जो आपके उनके काम के इशू हैं और आपस में उनके नेताओं में ही टकराव है तो कहाँ पे कर पाएंगे नेतृत्व, बीजेपी का मुकाबला कर ही नहीं पाएंगे। जैसे अभी हाल ही में कांग्रेस ने बोला था कि जाति गणना करवानी चाहिए लेकिन बीजेपी ने मना कर दिया था, तो क्या था ये चुनावी स्टंट आप सोच रहे थे? ये चुनावी स्टंट था, वो तो चाहते हैं कि वोटर बढ़ जाए। हाँ। जातियों में और जैसे अंग्रेजों ने तोड़ फोड़ की राजनीति करी वैसे ये कर रही है कांग्रेस। वो चाहती नहीं है कि इंडिया ये कभी एक हो, वो एक एक इकट्ठे होके करें, वो जातियों बांट करके अपना उल्लू सीधा कर रही है। नमस्कार। नमस्कार जी, आपका नाम? कमलेश यादव। तो सर, जिस तरह से चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं और बीजेपी एक बार फिर 3 राज्यों में अपना दबदबा दिखा चुकी है, क्या कहेंगे सबसे पहले बताइए? देखिए, ऐसा है, उनकी लीडरशिप जो है मेन फैक्टर जो है मोदी जी, उन्होंने देश के लिए इतना किया कि हर कोई जो शिक्षित तबका है वो सब जानता है कि देश हमारे लिए सबसे पहले है, ना कि लोकल जो होते हैं वो चीज़ नहीं है हमारे लिए। तो वो सभी को पता है कि जो है जो मोदी जी कर सकते हैं, कांग्रेस में कोई ऐसा लीडर नहीं जो आगे देश को ले जा सकता है। तो जिस तरह से अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने जीत हासिल करी है, तो कहीं ना कहीं मोदी जी का भी हाथ है इसमें? नहीं, बिल्कुल, मैन तो मोदी जी ही थे। हाँ। जो है लोकल भी था लेकिन जो है मैन जो मोदी जी का, जहाँ जहाँ मोदी जी की रैली जब से हुई है उससे बहुत फर्क पड़ा है, मोदी और योगी दोनों का ही काफी अच्छा हो रहा है। अच्छा, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सीट थी, अब तक भूपेश बघेल थे मुख्यमंत्री, लेकिन अब बीजेपी आ गई है। अब बीजेपी आ गई है, तो कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि एक एक करके बीजेपी जो है वो कांग्रेस की जो सत्ता है राज्यों में उनको हटा रही है? बिल्कुल, वो हटा ही, 100% जो रह गए वो भी खत्म हो जाएंगे।
अच्छा। तो अगर ये लीडरशिप रही तो हाँ। क्योंकि ये गांधी परिवार का जो आगे पीछे घूमते हैं उससे कोई भला होने वाला नहीं है। अच्छा। इनको ना तो कुछ क्या बोलना है उसका पता नहीं होता है कि हमने क्या बोलना चाहिए, वो इनको आज तक जबकि इतने साल हो गए राहुल का, अब तो इनके अंदर चेंजिंग आनी चाहिए लेकिन वो इनके अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन एक राज्य जो तेलंगाना है वहां पर बीजेपी की हार हुई है, क्या कारण? हार नहीं कह सकते उसको, आप हार नहीं कह सकते। अगर परसेंटेज के हिसाब से आप देखते हैं तो बढ़िया है, बहुत अच्छा परसेंटेज लेके आई है और आने वाले समय जो है वो भी पूरा हो जाएगा। मतलब थोड़ा थोड़ा करके अब एकदम तो चीज नहीं, लेकिन जिस हिसाब से राजस्थान कांग्रेस के पास था कहां, मतलब जो एग्जिट पोल आ रहे थे कांग्रेस के उतना आ रहे थे, और जब रिजल्ट आया तो बीजेपी आ गई। जो अंडर करंट जो है ना वो लोग समझते हैं कि भाई मुंह का जो आता है उसको क्या ठीक हम देंगे कांग्रेस को, लेकिन देना उन्होंने बीजेपी को ही है। चलिए, और खासकर महिला फैक्टर बहुत ज्यादा है, लेकिन जेंट्स से ज्यादा तो महिलाएं जो वो करती हैं, तो महिलाएं हैं करेंगी तो बीजेपी को ही वोट करेंगी। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका नाम? मुकेश कपूर। सर, जिस तरह से अभी हाल ही में चुनाव के रिजल्ट आए हैं, बीजेपी ने 3 राज्यों में अपना परचम लहराया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो अपना ओपिनियन बताइए। सबसे बढ़िया तो यह है कि जी जब तक मोदी है तब तक हर चीज मुमकिन है। अच्छा। हाँ, और जब तक मोदी रहेगा तब तक कोई सी और की दाल गलनी नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि नहीं जी, जो देश के जो हित के लिए काम करता है ना पब्लिक उसी का साथ देती है, और इन्होंने जो भी वायदे करे या जो भी कराया इन्होंने तो देश के हित में कराया, काम कराया। या अब आप देखिए, आप इंडिया का कहां से कहां पहुंच गई वो है, हर चीज़ में देखो, हर स्टेट में देख लो, हर चीज़ में देख लो, सब में आ गया ये। तो अगर मैं बात करूं जिस तरह से लोग मोदी जी पर भरोसा कर रहे हैं, राहुल गांधी पर ऐसा क्यों भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने तो पूरे देश की भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। नहीं नहीं, राहुल गांधी अपनी जगह पे है, लेकिन ये है कि मतलब विपक्षी तो चाहिए, लेकिन ये विपक्ष में तो वो सही है लेकिन सत्ता में नहीं, सत्ता लायक नहीं है। ऐसा कारण क्या मानना है कि कांग्रेस तो कहीं ना कहीं अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही है? वो एक चीज पे जोर देते हैं सिर्फ, ये कि उन्होंने कहा कि जो भी है, जो तुम्हारा अल्पसंख्यक है उन्हीं को लेके चलते हैं, हिंदुओं के लिए नहीं करते। अच्छा, तो अब भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से निकाली गई थी, क्या लगता था कि चुनावी स्टंट है वो? जो उन्होंने निकाली वो उधर की तरफ निकाली, इधर की तरफ नहीं आए वो। और दूसरी चीज कि उनके भारत जोड़ो यात्रा से ये नहीं है कि उन्होंने का भारत जोड़ लिया, उन्होंने उनके यहाँ बहुत कमी है। अच्छा। और क्या बोलते हैं वो उनको खुद ही नहीं पता होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी बात तो ये। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? मोहन धर्मवाल। सर, अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे जिसमें से 4 के रिजल्ट आ गए हैं और 3 में बीजेपी ने परचम लहरा दिया है, क्या लग रहा है कांग्रेस की सीटों पर भी इस बार बीजेपी काबिज हो गई है? ऐसा है ना, कांग्रेस कोई काम हम तो करती नहीं, उल्टी सुलटी बातें करती हैं, उनका कोई तरीका नहीं है काम करने का। जब भी वो लोगों को गलत समझाती है, और बीजेपी में यह है कि काम भी करते हैं, धरातल में काम भी दिखता है उनका, और इसलिए बीजेपी की सीटें ज़्यादा आती हैं। तो क्या लग रहा है जब बीजेपी जिस तरह से जीती है, क्या प्रधानमंत्री का चेहरा इस पर काम करेगा कि जो जीत बीजेपी को मिली है? हाँ, इस पर प्रधानमंत्री जी की बहुत वो है, प्रधानमंत्री जी का सहयोग बहुत ज़्यादा है, उन्हीं के आधार पर जीते हुए हैं। अमित शाह जी भी हैं, नड्डा जी भी हैं, तो सबने अपनी अच्छी खासी मेहनत करी है। और अगले साल जिस तरह से लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उस पर क्या लगता है? उसमें तो मैं कहता हूँ कि फुल बहुमत से आएगी और 300 से प्लस करेगी। अच्छा, क्रॉस बीजेपी करेगी। अच्छा, अभी एक जैसे 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, एक में आना भी बाकी है, क्या लग रहा है उसमें बीजेपी काबिज होगी? अब मिजोरम में तो अभी मैं नहीं कह सकता हूँ उतना, क्योंकि उतना उनका उतना प्रभाव नहीं है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल थे और अब बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है, वो भी दुगने वोटों से करी है, इस पर क्या कहेंगे? अब ये इनकी पहले भी रणनीति अच्छी रही है, इस बार भी रहेगी, क्योंकि लोगों को आश्वासन दिया है तो अच्छा काम करेंगे। तो राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी पूरे देश भर में, उसका कोई असर? उसका कोई असर नहीं पड़ा। ना, भारत जोड़ो असर नहीं हुआ, भारत तोड़ो ही हुआ। अच्छा, तो मतलब चुनावी स्टंट मानने क्या भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की? ना, कोई चुनावी स्टंट नहीं था, वो उन्होंने वैसी निकाली थी, वैसे निकाली। सर, आपका नाम? अमित वर्मा। और सर, जिस तरह से चुनाव के नतीजे आ गए हैं और बीजेपी ने इस बार भी परचम लहरा दिया है, इस पर ओपिनियन आपका अगर मैं जानूं तो क्या होगा? नहीं, कार्य अच्छा कर रही है बीजेपी, सीधी बात है। अब मोदी जी का चेहरा भी है, दूसरी बात। तो
अगर मध्य प्रदेश में जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान थे तो कहीं ना कहीं मोदी जी का सपोर्ट माना जा रहा है बीजेपी का मध्य प्रदेश में? उनके सपोर्ट के तो हो ही नहीं सकता, लेकिन काम उन्होंने अच्छा करा इसीलिए। अगर देश में मोदी जी नहीं होते तो क्या लगता कि पार्टी बीजेपी कभी बन पाती किसी स्टेट में? नहीं बन पाती। अच्छा, और कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे कि कांग्रेस क्यों नहीं सत्ता बना पा रही है? नहीं, अब उसमें जो है ना एक दूसरे की टांग खींचने वाले ज्यादा है इस चक्कर में। जिस कैसे मतलब? जैसे अब मान लो प्रधानमंत्री का ही चुनाव होगा, मान लो इनके में, तो ये सोचते हैं बोले भी मैं बनू। सबसे बड़ी बात यह है, मैं वाली बात बहुत है। और अभी जो एक मिजोरम का चुनाव रिजल्ट आना बाकी है उसमें क्या लगता है? देखो उसमें तो 50-50 मामला लग रहा है, लेकिन तेलंगाना में कहीं ना कहीं बीजेपी की हार हुई है। उस पर कहां पर उस पे हाँ, मतलब सीटें उसमें पड़ी है, 7 सीटें बीजेपी को पड़ी है। कहां लग रहा है कि अभी साउथ तक तेलंगाना तक पहुंचने में बीजेपी का टाइम, इनको कुछ समय लगेगा, धीरे धीरे साउथ में भी जाएगी बीजेपी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी अच्छी सीटें लाई थी विधानसभा जब चुनाव हुए थे, तो धीरे धीरे सब ये बढ़ेंगे, आप सब बढ़ेंगे। तेलंगाना की अगर मैं बात करूं तो वहां पर बीआरएस की जीत हुई है, तो क्या लग रहा है कि बीआरएस का पुराने सालों से ही वहां पर दबदबा था? बीआरएस का तो अब तीसरी बार का था मेरे ख्याल से, तो अब इस बार कांग्रेस का ज्यादा वो चले गया, कांग्रेस पे ज्यादा वोट चले गए बीजेपी के मुकाबले तो है, लेकिन उनका प्रभाव कम है ना बीजेपी का साउथ में। अच्छा, मतलब अभी धीरे धीरे करके बीजेपी अभी नहीं, बीजेपी अपना धीरे धीरे अपना साउथ में भी प्रभाव छोड़ रही है, तो आने वाले समय में बीजेपी साउथ में भी अपनी सरकारें बनाएगी। सर नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? हरिश्चंद्र पांडे। अभी बीजेपी ने तो पूरे देश में 3 राज्यों में अपना दबदबा बैठा दिया है, कैसा कर रही है? बहुत बढ़िया लग रहा है, आगे बीजेपी आएगी, बढ़िया काम कर रही है, देश के लिए बढ़िया कर रही है, जनता के लिए बढ़िया कर रही है, गरीबों के लिए बढ़िया कर रही है, बहुत बढ़िया चल रही है सरकार, कोई कमी नहीं है इसका। तो कांग्रेस कहाँ पीछे रह दी है इन सब में? कांग्रेस पीछे ही रहेगी, कांग्रेस आगे बढ़ने लायक लग नहीं रही है ना, कांग्रेस में ऐसे नेता कोई नहीं है कि आगे बढ़ाए देश को, कुछ काम करे किसी के लिए, जनता के लिए कुछ, वो खाली वायदे करते हैं। अच्छा, तो कांग्रेस ने अभी तक जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, इसका कोई फायदा हुआ जनता पे? अब जनता पर तो कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता है, जनता आजकल पढ़ी लिखी है, हर नॉलेज वाला आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम भारत जोड़ो निकालो, भारत का कुछ ऐसा कुछ नहीं पड़ता, जनता सब देखती है, जनता सब नॉलेज है, आजकल बच्चे को नॉलेज है हर चीज का। अच्छा, तो जो 3 सीटें बीजेपी ने जीती है, इसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का चेहरा मुख्य भूमिका में रहा होगा? मुख्य भूमिका है ही, मुख्य भूमिका में पूरे उनका ही ऊपर है, सारा देश ही उनके ऊपर चल रहा है, अब बाकी हम अच्छा तो चलना ही ऐसा है, उनके ऊपर ही वोट इलेक्शन जो भी देता है सब उनके ऊपर चलता है, स्टैंड दारो मदार। तो मतलब कुल मिलाकर बीजेपी में अगर पीएम है नरेंद्र मोदी है तो मोदी योगी दो ही हैं चेहरे स्टैंड तो। हाँ, मोदी और योगी, मोदी और योगी हमारी नजर में, तो बाकी हर आदमी का अलग अलग को है। लेकिन एक राज्य में अभी बीजेपी हार भी गई है, तेलंगाना में जो हारी है, वो तो ऐसा ना अपना अपना हिसाब है, थोड़ा बहुत कहीं पर कमी रहेगी होगी, ऐसा नहीं है, पार्टी का अपना अपना रुझान होता है, अपना हिसाब होता है, अपनी पकड़ होती है, थोड़ी बहुत कहीं कमी रहेगी होगी बीजेपी की, हमें नहीं करी, जनता के लिए थोड़ा बहुत कहीं कहीं होता है, हो ही जाता है। भैया से पूछेंगे, भैया मैं देख रही हूँ आप अच्छे यहाँ पे जो अपने पक्ष है वो रख रहे हैं, बीजेपी ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ राजस्थान में और मध्य प्रदेश में अपना दबदबा दिखाया है, अगर छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो कांग्रेस की सीट थी अब तक, लेकिन अब बीजेपी आ गई है, क्या लग रहा है कि कांग्रेस का क्या रहा था कि जो वोटर्स जो हैं वो बीजेपी की साइड गए? क्योंकि देखो मैम ऐसा, बीजेपी जो काम करती है अच्छा काम करती है, इसमें अच्छा है, इसलिए बीजेपी आएगी। अब तेलंगाना में क्यों नहीं आई हो, क्योंकि वहाँ ज़्यादा मोमडन ज़्यादा है, हिंदू लोग कम है, जहाँ हिंदू ज़्यादा का वहाँ बीजेपी आएगी सरकार, इतना मैं आपको बताऊँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हिंदू हिंदू की बीजेपी की राज में गुंडागर्दी इतना नहीं है जितना कांग्रेस के राज में है। तो जैसे और जिस अभी जब तक मोदी जी आएंगे ना तो देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, तो अभी 2024 में दोबारा प्रधानमंत्री के और आने भी नीचे वो आएंगे बिल्कुल। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, 4 के रिजल्ट आए, अभी एक का रह रहा है, क्या रह रहा है वहाँ पे बीजेपी जीतेगी? क्योंकि वो मिजोरम है ना, ईस्ट का साइड है, ईस्ट की साइड है तेलंगाना में, मिजोरम में अगर ज्यादा मॉन्डन इलाका होगा तो मुश्किल है, अगर हिंदू ज्यादा पक्ष होगा तो आने की संभावना है। तो फिर जो जैसा आप कह रहे हैं कि हिंदू पक्ष जो है वो बीजेपी के साथ है, तो बीजेपी जो है वो दूसरे पक्ष पर क्यों नहीं अपना दबदबा बना पा रही है? ऐसा ना मैम, हिंदू आदमी समझता है, जानता है, मॉन्डन पढ़ा लिखा नहीं जानता है, उसे तो आज तो क्या सब वोट पैसों में बिक जाते हैं, वो मॉन्डन नहीं समझदार नहीं है। चलिए कुल मिलाकर
बताइए बीजेपी काम कैसा कर रही है? बहुत बढ़िया काम कर रही है, काम कर रही है, बहुत अच्छा काम। और जो राहुल गांधी थे भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली थी, पैदल निकाली थी। देखो वो पैदल निकाले के निकले, वो सारा पैसा जनता का तो है, वो उनने कोई अपने जेब से तो खर्च नहीं करा मैम, सारा जनता के पैसे खर्च, जनता के पैसे में तो ऐसा कर रहे हो तुम, कुछ भी निकालो। अरे जो देश तो आगे बढ़े उसका तो सुधार करो, वो तो सुधार करते नहीं है। और कांग्रेस तो बीजेपी आएगी और जब तक मोदी जी हैं तब तक देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, मैं बता रहा हूँ आगे। तो देखा आपने, आज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जो बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है 3 राज्यों में, जनता का उस पर क्या कहना है। जनता का सीधे ये कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो जनता जता रही है कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें भी बीजेपी जो है वो सत्ता पर काबिज होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर पीएम की कुर्सी पर विराजमान होंगे। और कहीं ना कहीं जो 3 राज्यों में बीजेपी ने अपनी सत्ता जमाई है वहाँ पर कहीं ना कहीं मोदी जी का बड़ा हाथ माना जा रहा है। और कांग्रेस जो है वो लगातार अपनी जो सीटें हैं, चाहे मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, अपनी सीटों को खोती हुई जा रही है। तो ऐसे में बीजेपी जो है, जो तेलंगाना में नहीं जीती थी, लोगों का ये ओपिनियन है कि आने वाले समय में जो बीजेपी है वो ज़रूर ही साउथ के जो एरिया है, साउथ के जो स्टेट हैं उन पर भी अपनी सत्ता काबिज करेगी। तो ये थी JJN की खास ग्राउंड रिपोर्ट। मैं निशा अपने सहयोगी गणेश के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी, नमस्कार।